पंजाब में चरमपंथ, उत्तर पूर्व में जनसंहार, कश्मीर में मुश्किलें, ऐसा लग रहा था जैसे इंदिरा की सरकार एक बिगड़ते हुए राष्ट्र पर हुकूमत कर रही थी। ऐसे ही निराशाजनक समय में कपिल देव और उनकी टीम ने राष्ट्र को एक अनोखा और बेहतरीन पल दिया जिसमें पूरा देश शामिल हुआ और क्रिकेट राष्ट्रवाद की खुशी से भर गया। भारत को ऐसी प्रेरणा की सख्त जरूरत थी। कपिल देव की टीम में राष्ट्र ने अपने अपने हीरो चुन लिए थे। ऐसा नहीं था कि टीम के खिलाड़ी रातों रात करोड़पति बन गए थे। इस समय तक बीसीसीआई ने अभी तक क्रिकेट को एक पैसा कमाऊ धंधे की तरह इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया था और साथ ही क्रिकेटर्स भी अपने हक के बारे में इतना नहीं जानते थे। उपभोक्ता कम थे। एक आम मध्यम वर्गीय घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नाम पर एक फ्रिज, एक छोटा टीवी और एक मिक्सर से ज्यादा कुछ नहीं होता था, इसलिए प्रायोजक खोजना कुछ कठिन काम था। पूरे वर्ल्ड कप के दौरान खिलाड़ियों को मात्र 20,000 रुपए मिले थे। इसके साथ उन्हें रोजाना के खर्चे के लिए 20 पाउंड मिलते थे जिसमें लॉन्ड्री शामिल थी। कपिल कहते हैं, हमें कोई मोटी रकम नहीं मिली थी। लता मंगेशकर की एक कॉन्सर्ट करवाई गई थी जिससे मिलने वाले पैसे से हम सभी को 1-1 लाख रुपए मिले थे, लेकिन सभी खिलाड़ियों को हर भारतीय के दिल और दिमाग में एक स्थायी जगह मिल गई थी जिसे वो बाद में भुना सकते थे। लेकिन जब भी 4 साल के अंतर पर वर्ल्ड कप होता है, 1983 के विजेता टीवी स्टूडियो में बुलाए जाते हैं और उनकी सफलता का जश्न मनाया जाता है। 2008 में हमने उनकी जीत की 25वीं सालगिरह पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। कम से कम आधा दर्जन कॉर्पोरेट तुरंत ही उस कार्यक्रम को प्रायोजित करने के लिए तैयार हो गए। खिलाड़ियों को तोहफों से लाद दिया गया। एक प्रायोजक ने मुझे बताया, मैं सिर्फ 18 साल का था जब भारत ने वो वर्ल्ड कप जीता था। मैं उस दिन से उस टीम के साथ एक तस्वीर खिंचवाना चाहता था। एक पूरी पीढ़ी के लिए कपिल देव जननायक थे। 1983 भारतीय क्रिकेट के लिए कितने ही सालों में एक बार होने वाली घटना थी। कपिल देव मात्र 24 साल के थे जब उन्हें वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का कप्तान बना दिया गया था। उस वक्त उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए मात्र 5 साल ही हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बेस कैंप में पहुंचे बिना ही वो माउंट एवरेस्ट को नाप चुके हों। काफी जल्दी मिली शोहरत अक्सर खतरनाक और जानलेवा सिद्ध होती है। लॉर्ड्स में मिली शानदार जीत के साल भर के बाद ही कपिल से कप्तानी छीन ली गई और उन्हें टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। ये भारतीय क्रिकेट में हमेशा से होता आया है। वेस्टइंडीज की टीम अपनी वर्ल्ड कप की हार का बदला लेने के लिए भारत आई हुई थी। उन्होंने भारतीय टीम को 5-0 से पराजित किया। इसी वजह से कपिल को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मुझे लगता है मुझे बहुत जल्दी कप्तान बनाया गया और फिर बहुत ही जल्दी कप्तानी छीन भी ली गई, कपिल कुछ सोचते हुए कहते हैं। 1983 में मिली सफलताओं के बाद 1984 का बुरा साल आया। जीत के उस समय के बाद से ऐसा लगने लगा जैसे देश को गर्त में धकेला जा रहा था। देश में डर भरने की कोशिश की जा रही थी। वो ऑपरेशन ब्लू स्टार का साल था जिसमें सेना स्वर्ण मंदिर में घुसी और जिसके बाद देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई, जिसके बाद दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हुए। इस खून खराबे के बीच क्रिकेट एक अस्थायी चीज बनकर रह गया। 1984 की सर्दियों में इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज खेली गई जिसे भारत हार गया और कपिल को बलि का बकरा बनाया गया। दिल्ली टेस्ट में एक बुरा शॉट और उन्हें टीम से निकाल दिया गया। उस वक्त ऐसा कहा जा रहा था कि कपिल को मुंबई लॉबी के इशारे पर टारगेट किया जा रहा था क्योंकि अब गावस्कर कप्तान बनकर वापस आ रहे थे। इस बारे में कपिल कहते हैं, ये कतई सच नहीं है। मैंने एक खराब शॉट खेला था और मुझे ड्रॉप कर दिया गया था। इसके लिए मैं किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। उस वक्त बिशन सिंह बेदी राष्ट्रीय चयनकर्ता थे। वो कहते हैं कि वो फैसला पूरी तरह से एक अनुशासनात्मक कार्यवाही था। हम एक टेस्ट मैच बचाने के लिए खेल रहे थे और कपिल ने खराब शॉट खेला। मुझे बुरा तब लगा जब कपिल ड्रेसिंग रूम में सीटी बजाते हुए आए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेदी इस बात पर जोर देकर बताते हैं, ये उनके 16 साल के करियर में अकेला मौका था जब कपिल देव टेस्ट मैच खेलने के लिए नहीं आए थे। कपिल को ड्रॉप किए जाने पर उपजा विवाद इस क्रिकेटर के करियर के उत्तरार्ध में हुए कई विवादों में से एक था। 1978 से 1983 के बीच अगर कपिल कुछ भी गलत नहीं कर सकते थे तो 1984 के बाद कपिल को क्रिकेट के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। मसलन 1986 में वो बतौर कप्तान इंग्लैंड गए और 2-0 से जीत कर लौट आए। यह भारत के लिए 1971 के बाद अंग्रेजी पिच पर पहली सीरीज की जीत थी, जबकि दिलीप पेंगसरकर की बैटिंग इस जीत की मुख्य वजह थी। कपिल देव की कप्तानी में परिपक्वता आ रही थी। 1971 में जीतने वाली टीम में 6 खिलाड़ी मुंबई के थे और बेदी के रूप में उत्तर भारत का बस एक खिलाड़ी था, जबकि 86 की टीम में 5 खिलाड़ी उत्तर भारत के थे और मुंबई के सिर्फ 2 खिलाड़ी। उस साल एक और उत्तर भारतीय खिलाड़ी ने अपनी पहचान बनाई, वो थे चेतन शर्मा। कपिल ने जब चेतन को पहली बार देखा था तो चेतन मात्र 11 साल के थे। वो चंडीगढ़ में एक लोकल अंडर 12 मैच देखने आए थे। वो मुझे किनारे ले गए और अपनी पत्नी से कहा, ये लड़का इयान बॉथम से तेज गेंद फेंक सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस बात ने मेरे आत्मविश्वास को किस कदर मजबूत कर दिया, शर्मा ने कहा। 1986 के टूर पर इसी सकारात्मक रवैये ने जीत दिलाई। उस सीरीज से ठीक पहले चेतन शर्मा की गेंद पर
भारत पाक क्रिकेट इतिहास का सबसे मशहूर छक्का मारा गया था। जावेद मियादाद ने शारजाह में आखिरी गेंद पर छक्का मारकर पाकिस्तान को मैच जितवाया था। वो मेरे लिए सबसे बुरा स्वप्न था। इंग्लैंड के खिलाफ पहले खेल में मैं इतना नर्वस था कि हाथ में गेंद भी नहीं पकड़ पा रहा था। मैं जहां भी जाता था मुझे गालियां दी जा रही थी और मुझे उस छक्के की याद दिलाई जा रही थी। ऐसे में कपिल मेरे पास आए और गले में हाथ डालते हुए कहा, अबे तू इतनी गालियां खा चुका है, अब क्या फर्क पड़ता है। हरियाणा से आए उस दूसरे लड़के ने सीरीज खत्म की तो उसके खाते में सबसे ज्यादा विकेट थे। कुछ वक्त के लिए यह भी कहा जा रहा था कि वही कपिल देव के उत्तराधिकारी बनेंगे। एक साल बाद फिर से कपिल देव को अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। इस बार 1987 में अपने ही घर में वर्ल्ड कप में मिली हार के कारण। यह पहली बार था जब वर्ल्ड कप इंग्लैंड के बाहर खेला जा रहा था और ये उपमहाद्वीप के क्रिकेट में एक ताकत बनने के लिए बेहद जरूरी था। वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर निकालकर भारत में लाने की प्लानिंग इसलिए शुरू हुई थी कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और इंदिरा गांधी के खास सिद्धार्थ शंकर रे को 1983 में फाइनल मैच के लिए टिकट नहीं मिल पाए थे। गुस्साए हुए सिद्धार्थ शंकर रे ने प्रधानमंत्री गांधी से इस बात की शिकायत की, जिन्होंने बीसीसीआई अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद एनकेपी सालवे से मामले को देखने को कहा। सालवे विश्व कप का मेजबान बनने के लिए बोली लगाने को तो तैयार हो गए, मगर उन्हें प्रायोजक चाहिए था। यहां काम आया रिलायंस, जो कांग्रेस के भी नजदीक था। रिलायंस ने 20 लाख पाउंड में प्रायोजित करने का वायदा किया। बदले में रिलायंस के चेयरमैन धीरूभाई अंबानी की एक ही मांग थी। वो चाहते थे कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले होने वाले भारत पाक एग्जीबिशन मैच को वो मैदान के स्टैंड में प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर देखना चाहते हैं और इसे टीवी पर दिखाया जाए। लेकिन अगर 1987 के वर्ल्ड कप ने पहली बार घरेलू स्पॉन्सरशिप देखी तो भी इससे खिलाड़ियों को कोई बहुत फायदा नहीं पहुंचा। खिलाड़ियों को अब भी पूरे टूर्नामेंट के लिए मात्र 75,000 रुपए मिल रहे थे। हम में से कुछ अपनी टी शर्ट पर स्पॉन्सर का लोगो लगाना चाहते थे, इससे हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते, लेकिन बोर्ड ने साफ मना कर दिया। जब मैंने बोर्ड के इस रवैये के खिलाफ बात करनी शुरू की तो मेरे साथ कुछ और साथियों ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया। तो बोर्ड के एक बड़े अधिकारी ने मुझसे कहा, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। फिर जब हम सेमीफाइनल में हार गए तो अपना बदला लेने के लिए मुझे कप्तानी से हटा दिया गया। कपिल का ऐसा मानना है, इस बार कप्तानी से हटाए जाने ने कपिल को काफी निराश किया। अब वो पुराने कपिल नहीं रह गए थे। हमेशा खुश रहने वाला व्यक्तित्व अब ढलान पर आ चुका था। घुटनों में वो बात नहीं रही थी, शरीर में उस कदर ऊर्जा नहीं बची थी। कपिल देव अब भी इंडियन क्रिकेट के सबसे चमकीले सितारे जरूर थे, लेकिन आसमान में एक नई रोशनी कौंधने वाली थी।